हूँ लीला, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है वर्ष 2024 में हरियाली तीज कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, इस विषय पर हम बात करते हैं। हिंदू धर्म में सुहागन महिलाओं से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इन उपवासों को रखने से सौभाग्यवती भाव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही वैवाहिक जीवन में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। इनमें से हरियाली तीज के पर्व को सबसे खास माना जाता है। हरियाली तीज को हर साल श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महादेव और देवी पार्वती की पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। इस दिन हरे रंग की चूड़ियां, मेहंदी लगाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। हरियाली तीज पर सुहागन महिलाएँ वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए उपवास रखती हैं। वहीं शादी के बाद पहली बार इस व्रत को रखने का एक अलग ही महत्व होता है। इस दिन नववाहिता को पूजा में 16 श्रृंगार करके ही बैठना चाहिए। इस दौरान की जाने वाली आराधना हमेशा संपूर्ण विधि के साथ करनी चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं पहली बार हरियाली तीज का व्रत रखने वाली महिलाओं को किस विधि से पूजा करनी चाहिए। कब है हरियाली तीज? हरियाली तीज का व्रत 7 अगस्त 2024 को रखा जा रहा है। इस तिथि की शुरुआत 6 अगस्त 2024 शाम 7:42 पर हो रही है। इसका समापन 7 अगस्त 2024 को रात 10 बजे होगा। हरियाली तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूजा में व्रती महिलाएं शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखें, जे अधिक फलदायी होता है। हरियाली तीज की सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच होगी। इसके बाद सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 12 बजे तक की जा सकती है। वही शाम की पूजा 4:30 से 6 बजे तक के बीच होगी। पंचांग के अनुसार पूजा के लिए ये उत्तम समय माना जा रहा है, इसलिए इस समय पूजा करने की कोशिश जरूर करें। हरियाली तीज की पूजा विधि। शादी के बाद यदि आपकी पहली हरियाली तीज है तो इस दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहनें। इस दौरान पूजा से पहले 16 श्रृंगार से अपने आप को तैयार करें। फिर पूजा के लिए एक चौकी तैयार करें। चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछा दें। फिर इस पर भगवान शिव और उनके परिवार की मूर्तियां स्थापित करें। इसके बाद भगवान को नए वस्त्र पहनाएं। धीरे धीरे पूजा की सभी सामग्रियों को भगवान शिव और माता पार्वती जी को अर्पित करते रहें। फिर तीज व्रत की कथा सुनें और आरती करें। आरती के बाद खुशहाल जीवन की कामना करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद लें। हरियाली तीज पूजन सामग्री। पहली बार हरियाली तीज व्रत की पूजा के लिए कुछ खास सामग्रियों को शामिल करें। इनमें शमी के पत्ते, जनेऊ, जटा वाला नारियल, चावल, ध्रुवा घास, घी, कपूर, अबीर गलाल, श्रीफल, चंदन, गाय का दूध, गंगा जल, दही और मिश्री को शामिल करें। इसके बाद पीला वस्त्र, कच्चा सूत, नए वस्त्र, केला के पत्ते, बेलपत्र, भांग, दतूरा, शहद और पंचरामृत को भी रखें। इस दौरान सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ, महावर, कुमकुम, कंघी, विशवा, मेहंदी, दर्पण और इतर जैसी चीज़ों को भी रख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।